हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने बाहर का नज़ारा तो देख लिया था, आज मैं आपको मॉल के अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे मॉल के अंदर आते ही हो गई इनकी शॉपिंग स्टार्ट। और देखते जाइए ये कहाँ कहाँ घूमे और क्या क्या पसंद किए। और ग्राउंड फ्लोर पे मॉल का पूरा मुआयना करने के बाद फिर हम पहुंचे फर्स्ट फ्लोर पे। और यहाँ भी आते के साथ मैंने देखा कि यहाँ पे फीमेल्स के लिए सारे ड्रेसेस वगैरह थे। और यहाँ पे एक साड़ी की गद्दी भी बनाई गई है जहाँ पे आप साड़ी चूज कर सकते हैं और अपने लिए ले सकते हैं। वैसे मॉल अच्छा था और मैं चारों तरफ घूम घूम कर यहाँ पे देख रही हूँ, शायद मुझे कुछ पसंद आ जाए। लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आ पाया। और फिर हम लोग वहाँ पे पूरा मॉल घूमने के बाद फिर बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद काफ़ी अंधेरा हो चुका था, लेकिन लाइटें यहाँ पे जल रही थी तो अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सामान लेकर के फिर अपने रूम पे आ गए। मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई वो अगले ब्लॉग में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसी दिन रात में फिर मैंने ये केक भी बनाया था, तो वो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है इस कटोरी से एक कटोरी मैदा, और उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप आटा। और मैं इसमें थोड़ा सा अब डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, और उसके साथ साथ फिर जितना मैंने बेकिंग पाउडर लिया है उसका 1/2 बेकिंग सोडा। और फिर मैं इन सबको अच्छी तरह से छान लूँगी। अगर संभव हो तो आप इसे 2 बार छान लें। छानने से जो है ये आपका मैदा बिल्कुल हल्का हो जाता है। और जो भी बचा पार्ट था मैंने उसे फेंक दिया है। और फिर मैंने यहाँ पे 2 केला लिया, ये पूरी तरह से पका हुआ केला है। आपके पास पके हुए केले हैं तो आप वही यूज करें। पके हुए केले यूज करने से ये होता है कि आपका जो केक बनेगा वो बहुत ही फ्लफी बनेगा और अच्छा राइज होगा। तो मैं इन केलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इस मिक्सर जार में डाल रही हूँ। और फिर इसमें मैंने लिया है ये जो घर की फ्रेश दही है वो। और दही मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच यूज किया है, दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसमें मैं डाल रही हूँ ये शुगर, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालें, क्योंकि किन्हीं को थोड़ा मीठा और किन्हीं को थोड़ा कम मीठा पसंद है। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से ही चीनी यूज कर रही हूँ। और फिर इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्सर जार में पीस लिया है। और ये देखिए यहाँ पे ये घोल बनके अब तैयार हो चुका। और इधर मैंने अब गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और उसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ जिसे मैंने पहले कई बार यूज कर लिया है, और इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा होगा। और मैं अब इन सूखे इंग्रेडिएंट्स और उस घोल को मिक्स करूँगी यहाँ पे। तो मैंने इस बॉल में ले लिया है मैदा और आटा, और जो मैंने इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाला था, और मैं इसमें अब ये घोल धीरे धीरे डालती जाऊँगी। और मैं फिर इसे धीरे धीरे इस तरह से मिक्स कर रही हूँ।
और इसमें एक बार में आप सारा घोल ना डालें, धीरे धीरे ही करके डालें और धीरे धीरे ही इसे मिक्स करते जाएं। इस तरह से जो आपका केक का बैटर बनेगा वो बिल्कुल स्मूथ बनेगा। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इससे आपके केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और जिस तरह से आपको घोल की ज़रूरत होती जाए उसी तरह से इसे धीरे धीरे इसमें डालते जाएं। और फिर इसे एक स्मूथ सा बैटर बना करके रेडी कर लें। और ये अब इस स्टेज पे थोड़ा मिक्स हो गया है, तो मैं इसमें ऑयल धीरे धीरे करके डालती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ऑयल यूज किया है। ये राइस ब्रान है, आप इसमें बटर यूज कर सकते हैं। और इसमें तेज महक वाली कोई ऑयल यूज ना करें, फिर इससे जो है इसका फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो बीच बीच में यहाँ पे ऑयल भी डालते जाएं और फिर धीरे धीरे इसे मिक्स करते जाएं। और ये देखिए अब मेरा ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब ये स्मूथ हो जाए तो फिर इसे फेंटना बंद कर दें, ज़्यादा देर तक इसे मिक्स ना करें। और इसे हमेशा एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते जाएं, डायरेक्शन को चेंज ना करें, नहीं तो इसके जो बबल्स हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे और फिर आपका केक है वो राइज नहीं हो पाएगा। और मैं अब यहाँ पे इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस यूज कर रही हूँ। तो वनीला एसेंस से जो है केक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर यूज करें इसे। और थोड़े से मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ जिसमें बादाम, काजू और किशमिश है। तो थोड़ा सा मैंने अंदर में डाला है और थोड़ा सा मैंने ऊपर से गार्निश करने के लिए रखा है। और अब ये जो केक टिन है मेरा उसमें मैं ये घी डाल रही हूँ और उसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैला करके मैं उसमें मैदे की डस्टिंग करूँगी। इससे जो केक है वो चिपकेगा नहीं और आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो अच्छी तरह से मैदे की डस्टिंग इसमें मैंने कर ली है और जो एक्स्ट्रा मैदा था मैंने उसे हटा दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ केक बैटर जो मैंने बना करके रेडी किया था। और केक बैटर को बना करके ज़्यादा देर ना रखें, जब आपको बनाना हो उसी टाइम केक बैटर को रेडी करें और फिर उसे तुरंत बेक कर लें, चाहे ओवन हो या फिर आपका कढ़ाई या फिर कुकर हो। और केक टिन में मैंने पूरा बैटर डाल दिया है और इसके ऊपर से मैं अब डाल रही हूँ इसमें ये ड्राई फ्रूट्स। और ये बाद में जब थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इधर कुकर में स्टैंड की जगह पे मैंने ये छोटी सी कटोरी यूज़ की है और इसमें मैं ये कुकर गर्म है तो इसमें अच्छी तरह से सावधानी से ही इस केक टिन को डालें। और फिर यहाँ पे मैं अभी इस कुकर के ढक्कन को लगा रही हूँ और ये कम से कम 35 से 40 मिनट के लिए इस धीमी आंच पे बेक होगा। और कुकर के ढक्कन के मैंने वो वायर और इसके विसिल को भी दोनों को मैंने निकाल दिया है। और अब आफ्टर 40 मिनट बाद देखिए मेरा केक बनके रेडी हो गया है और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। और ऊपर ये नट्स, वाओ कितने क्रंची क्रंची लग रहे थे खाने में। और देखिए इसे चेक करने के लिए मैं इसमें एक नाइफ़ डाल रही हूँ जो अब बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका केक बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो ये गर्म है तो मैं इसे अच्छी तरह से सावधानी निकाल रही हूँ।
और ये देखिए केक का कलर कितना खूबसूरत आया है यहाँ पे। और काफी ज्यादा टेस्टी भी बना था ये केक, स्पॉन्जी भी है ये। और इसके फ्लेवर को थोड़ा सा चॉकलेटी बनाने के लिए मैं इस पे यूज कर रही हूँ ये चॉकलेट सिरप जो मेरे पास रखा हुआ था। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास है तो यूज करें, नहीं तो इसके बिना भी आप इसका टेस्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इस चॉकलेट सिरप को अब मैं पूरी केक पे अच्छी तरह से फैला दूंगी। और एक बात और जो मैं पहले बताना आप लोगों को भूल गई, वो ये कि केक टिन से जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी निकालें, गर्म में बिल्कुल भी ना निकालें। और ये देखिए केक बिल्कुल रेडी हो चुका है अब, और ये काफ़ी स्पॉन्जी और सॉफ्ट भी है, काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है ये केक। वो बनाना डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वो फ्रूट केक या फिर ये ब्रिटानिया का केक आता है वो टेस्ट कर रहे हैं। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे, और अगर आप लोग बनाते होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर बनाते हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल भी देखना ना भूलें क्योंकि मैं उसमें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ मैंने जो मॉल से सामान लाए थे वो सब, और कुछ शॉपिंग हॉल भी। तब तक के लिए धन्यवाद।